अब तक की सबसे बड़ी रकम आईपीएल सट्टे में जब्त किए हैं। पुलिस नेपियर टाउन स्थित मुस्कान हाइट्स में एक सूचना पर पहुंची तो एक सटोरिया जेब में 44,000 रुपए लेकर 20 किलो गेहूं पिसाने के लिए निकला था। पुलिस को देखकर युवक सकपका गया, उसकी घबराहट ने संदेह पैदा किया, जिसके बाद दो फ्लैट की तलाशी में इतने नोट मिले कि सटोरियों के घर से जब्त नोटों को गिनने के लिए मशीन की मदद लेनी पड़ी। इस मामले में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि आईपीएल सट्टे से जुड़ी सूचना पर उमती पुलिस रक्षित निरीक्षक की टीम ने आयकर विभाग के साथ मिलकर मुस्कान हाइट्स में बी ब्लॉक के 6 मंजिल पर दबिश दी, जिसमें फ्लैट नंबर 604 में रहने वाले इंद्रजीत सिंह के घर में पुलिस ने दबिश दी। आरोपी के घर से 38 लाख रुपए मिले। इंद्रजीत का गोरखपुर में कार बाजार का व्यवसाय है, जिससे पूछताछ के आधार पर टीम ने घाना में उसके पैतृक घर पर भी दबिश दी, जहां से 9.5 लाख रुपए जब्त किए गए। इंद्रजीत के मोबाइल में आईपीएल सट्टे की आईडी और लेन देन के संबंधित कई मैसेज भी मिले हैं, जिसमें हिसाब कोड वर्ड में मिला। आरोपी 1 लाख रुपए के लिए 1 किलोग्राम लिखता था और इसी तरह से 1 करोड़ के लिए रोकड़ा कोड वर्ड का प्रयोग करता था। आरोपी को गिरफ्तार करते समय सट्टे के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पहले से ही पकड़े जा चुके क्रिकेट सटोरिया सतीश सनपाल से अलग लाइन लेकर ये सट्टा लिखवा रहा था। पुलिस की कार्रवाई चली रही थी कि तभी बगल के फ्लैट से सटोरिया आकाश गोगा 20 किलो गेहूं लेकर निकला और पुलिस को देखते ही वो सकपका गया। वहीं संदेह होने पर निरीक्षक सौरभ तिवारी ने तल्ख लहजे में सवाल किए। उसकी जेब की तलाशी ली तो 44,000 रुपए मिले। इतनी रकम लेकर वो 20 किलो गेहूं पिसवाने का कारण नहीं बता सका। आकाश गोगा की पुलिस को लंबे समय से ही तलाश थी, वो अरसों से आईपीएल सट्टा खिलवा रहा था। उसे पकड़ने के बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली तो 23,15,000 रुपए नकद और नोट गिनने की मशीन मिली और फिर इसी मशीन से दोनों फ्लैटों से जब्त रुपयों की भी गिनती की गई। इस मामले में आकाश गोगा के साथ उसके छोटे भाई अजीत गोगा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाई की जयंती कॉम्प्लेक्स में मोबाइल की शॉप है, जिसकी आड़ में गोगा आईपीएल क्रिकेट सट्टा भी खिलवा रहा था। पूछताछ में जानकारी मिली है कि 1.5 करोड़ रुपए तो उसकी मार्केट में लोगों ने उधारी लगा रखी है। वहीं दोनों भाइयों के खिलाफ सट्टा एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है। अब इसमें इसका एक बिंदु जो ये अवैध रूप से सट्टा इससे लेकर खिला रहे थे, ये हम पूछताछ कर रहे हैं और आगे अनुसंधान में और भी बातों का खुलासा हो सकेगा।